या हर मुद्दे के वास्ते दारु रसन कहा। हमारे लाहौर के एक एमडी मुकर्रम प्रोफेसर रिटायर्ड मोहम्मद यूसुफ साहेब एवं मुकर्रम इमाम दीन साहेब रचना टाउन, इनको 5 जनवरी की सुबह अपनी रिहाइश से मुल्क का, लेकिन इनके बेटे का जनरल स्टोर था वहाँ बैठे हुए थे। सो 8 बजे करीब 2 मोटरसाइकिल सवार आए नकाबपोश और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग सुन के इनकी बेटा बाहर निकला, लेकिन देखा तो इनको जख्मी हालत में पाया और अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में वफात पा गए। इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शहीद मरहूम की उम्र 65 साल थी। इस इलाके में बड़े अरसे से मुखालफत जारी थी और मौलवी मुख्तलिफ बैनर और लगा लगा के और इश्तिहार लगा के एमडी के खिलाफ उकसा रहे थे, और बहसीयत सदर भी आप जमात में 20 साल से काम कर रहे थे, 3 साल से ज़ईम आला अंसारुल्ला थे, 2 दफ़ा असीर राय मौला भी रहने का एजाज़ हासिल हुआ आपको, बड़ी सुलझी हुई शख्सियत थे, एमए पंजाबी और एमएड किया हुआ था और गवर्नमेंट मुलाजम के तौर पर टीचिंग करते रहे। लाहौर में सीनियर साइंस टीचर और गवर्नमेंट हाई स्कूल शाहदरा में सीनियर साइंस टीचर थे, सीनियर हेडमास्टर भी रहे, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मुरीद के प्रिंसिपल रहे। रिटायरमेंट के बाद अपना एक स्कूल भी खोला। बड़े मिलनसार फिदाई अहमदी थे। ख़ानदान में अकेले होने के बावजूद हर लिहाज से हमेशा इस्तिकामत दिखाई। आपने ना सिर्फ खुद खुले हुए वक्त के हर हुक्म पर अमल करने की कोशिश करते रहे, बल्कि अपनी औलाद को भी इस रंग में तरबियत की। सारी औलाद का अहमदियत और खिलाफत से पुख्ता ताल्लुक़ है। मूसी थे और सारी औलाद भी निज़ाम वसीयत में शामिल है आपकी। अहलियाँ हैं आपकी पसमानगान में और एक बेटी और 4 बेटे हैं।